हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे रियलमी 8i का अनबॉक्सिंग। इस मोबाइल को मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया दोस्तों, और ये इसकी जो कीमत है वो 14,000 है, लेकिन मैंने ऑफ़र लगा के इसको 12,000 में बाय किया है। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के इसकी सारी जो डिटेल है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो इसके साथ हमें मिल जाता है हमारा वारंटी कार्ड। तो यदि ये वारंटी कार्ड संभाल कर रखना है आपको, नहीं भी रखते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे जिस डेट से हमने जो मंगाया है उस डेट से इस पर वारंटी का रहता है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत का नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन हमारा रियलमी है। चलिए हम इसको जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। तो हमारा बॉक्स खुल चुका है। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर एक कवर मिल जाता है सबसे पहले। तो चलिए ये तो हम बाद में देखेंगे, अब हमारा हम मोबाइल निकालते हैं। तो ये जो है हम निकाल लेते हैं। तो काफ़ी शानदार इसका कलर है, मैंने जो इसका कलर मंगाया था वो पर्पल कलर है, तो बड़ा ही शाइन मार रहा है। और इसका जो वेट है वो 194 ग्राम्स है। इसकी जो स्क्रीन है वो 6.6 इंच हमें मिलती है। और हमें मिलता है बॉक्स में 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर, तो काफ़ी बड़ा चार्जर है ये, तो हमें बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 18 वोल्ट मतलब ये 1-1.5 घंटे में हमारा मोबाइल जो है चार्ज कर देगा फुल। हमारे मोबाइल की 5000 mAh बैटरी है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। और हमें मिलती है सी टाइप केबल, तो आजकल जो सभी मोबाइल में सी टाइप केबल ही आ रही है। तो इसके साथ हमको मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जो कि मोबाइल के लिए ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए ठीक है, बाकी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो हम जो है कवर तो हम दूसरा ही लेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट कवर हमें दे रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो ठीक है। चलिए मोबाइल के फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडिया टेक का हेलियो G96 प्रोसेसर हमें मिलता है, तो आप काफ़ी कोई भी गेम वगैरह या वीडियो वगैरह आराम से कोई भी अच्छे हाई ग्राफिक्स में आप चलाना चाहें तो ये चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसका जो ग्राफिक्स है मेली G57 MC2 है, तो काफ़ी अच्छा होता है ये, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रोसेसर जो है ऑक्टा कोर 2.05 GHz है, 4 GB रैम है, तो कोई दिक्कत ज़्यादा आनी नहीं हमें। और 64 GB जो है स्टोरेज इसमें दिया हुआ है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन जो है इसका डाटा ले लेती हैं, तो उसमें हमें 43 या 44 GB स्टोर करने के लिए मिलता है, तो ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। बाकी हम एक्सपेंडेबल कार्ड लगा सकते हैं, 256 GB तक हम इसमें कार्ड लगा सकते हैं। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD+ LCD इन सेल डिस्प्ले है। तो दोस्तों ये 2412x1080 पिक्सल्स, मतलब इसकी स्क्रीन रेजुलेशन जो है काफ़ी अच्छी है, तो हमें बहुत ही मतलब कोई भी हम मूवी देखते हैं तो बाकी काफ़ी मज़ा आने वाला है। मतलब इसमें कैमरे की बात करें तो बैक पैनल पर 3 रियल कैमरे दिए गए हुए हैं, 50 MP प्राइमरी कैमरा, साथ में 2 MP पोर्ट्रेट कैमरा और 2 MP मैक्रो कैमरा सेंसर दिया गया हुआ है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा हमें दिया गया है। डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, काफ़ी फीचर्स इसमें दिए गए हुए हैं, लेकिन इसका जो फ्लैश है काफ़ी धीमे है। मतलब आपको मैं कुछ वीडियो और फोटोज़ वगैरह आपको अभी आगे दिखाऊंगा मैं। तो चलिए हमारा मोबाइल चालू हो चुका है, और इसमें एक टच गार्ड जो है इसमें दिया हुआ है पहले से ही लगाकर कंपनी की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा टच गार्ड है। तो आइए हम इसका थोड़ा सा जो है बैक देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा है इसका बैक, इस पर स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, तो आप कवर ज़रूर लगा के रखें। और इसके जो पावर बटन दिया हुआ है उसी में इसका फिंगरप्रिंट लॉक दिया हुआ है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है Android V11, मतलब हमारा जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो अभी इसमें दिया गया हुआ है। और जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई नया वर्ज़न आता है तो वो हमें अपडेट मिल जाएगी। तो इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक दिया हुआ है, लाउड स्पीकर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लाउड स्पीकर है इसमें, तो मैं आपको अभी सुनाऊँगा इसमें साउंड। और हमें जो सिम स्लॉट है मिल ही जाता है इसमें, वॉल्यूम की बटन हैं,
देखा जाए तो ये मोबाइल सिर्फ गेम के लिए बनाया गया हुआ है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ है, ग्राफिक्स भी अच्छे दिए हुए हैं, तो आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो मतलब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सेटिंग में भी चलते हैं, अबाउट में हम इसकी जो है काफ़ी जानकारी मिलती है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई हुई है। इसमें भी वही डिवाइस नेम दिया हुआ है, रियलमी 8i वर्ज़न जो है बेस बैंड एंड कर्नल का है, रियलमी UI वर्ज़न V2.0 है, एंड्रॉयड वर्ज़न 11 है, मतलब तो सभी आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉर्मल जानकारी है। तो चलिए हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको इसका कैमरा दिखा देता हूँ, तो देख रहे होंगे आप, बहुत ही अच्छा कैमरा है, काफ़ी शानदार दिखा रहा है। तो चलिए वीडियो और देख लेते हैं। तो अच्छा ये देखिए, वीडियो में भी काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं, जो इसका कलर है काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है मतलब। चलिए मैं बाहर का और आपको एक वीडियो या कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, ये देखिए इसका जो कैमरा है काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, तो मैं आपको इसको जूम करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए, और 10x इसमें जूम दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा जूम हो रहा है इसमें, बहुत दूर तक का हम, और वो भी क्लियर दिखा रहा है। अच्छा, बहुत से मोड दिए हुए हैं इसमें, हम अलग अलग तरीके से वीडियो बना सकते हैं, स्लो मोशन भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें बनता है। तो ठीक है, चलिए कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ मैंने जो इस मोबाइल से लिए हुए थे। काफ़ी अच्छा कैमरा है, यदि आप फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं तो इसमें 1080 पिक्सल्स का जो इसमें दिया हुआ है, आप उसी से क्लिक करें फ़ोटो, काफ़ी अच्छे आते हैं। इसका जो इमेज रेजोल्यूशन है वो 8150x6150 पिक्सल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इससे हमारे जो है फ़ोटो काफ़ी अच्छे आते हैं। इसमें सेल्फी कैमरा भी है, बहुत अच्छा है। हाई डायनेमिक रेंज मोड इसमें दिया हुआ है, मतलब HDR जो हमारा ऑप्शन होता है, तो काफ़ी अच्छे फ़ोटो आते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मोबाइल की तरफ चलते हैं। चलिए मैं इसका आपको साउंड सुना देता हूँ। इसका जो साउंड है वो डायरेक्ट साउंड इफेक्ट MT6366 ऑडियो डिकॉर्डिंग चिप इसमें दिया हुआ है, तो काफ़ी इसमें जो साउंड है बहुत अच्छा साउंड है। तो आइए मैं आपको इसमें साउंड सुना देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा साउंड है इसका। तो ठीक है, अब हम इसके साथ जो कवर आया हुआ है, हम इसको कवर लगाते हैं इसमें। इसका कवर ट्रांसपेरेंट है, तो कुछ दिनों बाद ये जो है गंदा हो जाता है जल्दी, तो हम जो है दूसरा लेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल के लिए ये कवर लगा लेते हैं। वाकई में ये मोबाइल है, अच्छा लग रहा है, और इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छी है। तो आप भी ये मोबाइल बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें मतलब सिस्टम वगैरह, प्रोसेसर वगैरह सब अच्छा है दिया हुआ है इसमें। तो आप यदि ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं आप, ऑफ़र वगैरह लगा के, और मार्केट से भी आप ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।